देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद 28 अप्रैल को सागर के प्रवास पर हैं। राष्ट्रपति सागर में प्रदेश के पहले डॉक्टर हरिसिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और संत कबीर महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री सतपाल सिंह और महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हिस्सा लेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर पी तिवारी ने आज मीडिया को बताया कि विश्वविद्यालय का यह 27वां दीक्षांत समारोह है। इसमें 365 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के 11 टॉपरों को गोल्ड मेडल और उपाधि प्रदान करेंगे। ये सभी बुंदेली वेशभूषा में उपाधि ग्रहण करेंगे। इस आयोजन को लेकर बड़े पैमाने पर स्वागत की तैयारियां की गई हैं। विश्वविद्यालय को चारों तरफ से सजाया जा रहा है। कुलपति आरपी तिवारी ने मीडिया को अहम जानकारी देते हुए कहा कि सभी वीआईपी और आमजन अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय पत्र लाने की कृपा करें। सभी लोगों को पंडाल में प्रवेश करने की अवधि 11:15 रहेगी। किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या कि स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कॉन्वोकेशन एक एनुअल फीचर होता है, इसीलिए इसको एनुअल कॉन्वोकेशन बोलते हैं। और हर एक वर्ष ये होता है, और उस वर्ष जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पीएचडी प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटी मेडल्स, ये सब कॉन्वोकेशन में प्रदान किए जाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में जैसा आप सबको विदित है, पिछला कॉन्वोकेशन 1976 में हुआ था, जिसको हम स्पेशल कॉन्वोकेशन के नाम से जानते हैं। रेगुलर कॉन्वोकेशन पिछला 1971 में हुआ था। और ये हमारे विश्वविद्यालय परिवार पूरे सागर शहर और बुंदेलखंड के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे विश्वविद्यालय में महामहिम भारत के राष्ट्रपति दूसरी बार आ रहे हैं। वर्तमान राष्ट्रपति तो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन इसके पूर्व भी 1950 में जब तीसरा कॉन्वोकेशन हुआ था, उस समय जो भारत के महामहिम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तीसरे कॉन्वोकेशन में मुख्य अतिथि थे। और अभी ये दूसरा मौका है जबकि भारत के महामहिम हमारे विश्वविद्यालय में कॉन्वोकेशन में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। एक और गौरवपूर्ण क्षण था 1952 में, जब उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे विश्वविद्यालय में कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने हमारी लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया था। उसका फाउंडेशन स्टेन जिसको हम बोलते हैं वो किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।